नशे पर एसपी सख्त, खुद बुलेट से करते हैं गश्त, ग्राहक बनकर बिछाते हैं जाल, तस्करों को पहुंचाते हैं हवालात। पूर्णिया में बढ़ रही नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस सख्त हो गई है। आपको बता दें कि एसपी निशांत तिवारी ने नशा तस्करों के खिलाफ एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें नशा तस्कर बिना फंसे नहीं रह सके। लाल हेलमेट और लाल शर्ट में आप जिन्हें देख रहे हैं, ये पूर्णिया के एसपी हैं और अपने शिकार की तलाश में बिना सुरक्षा के ही निकल पड़े हैं। सबसे पहले एसपी एक दिव्यांग के पास गए जो कि एक ट्राई साइकिल पर गांजा बेच रहा था। एसपी ने ग्राहक बनकर उससे गांजा खरीदा और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एसपी निकल पड़े अपने अगले शिकार की तलाश में, जहां वो एक छोटी सी दुकान पर पहुंचे और ग्राहक बनकर गांजा खरीदा। इतनी ही देर में वहां सदर एसडीपीओ भी पहुंचे। ये देखकर दुकानदार भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे भी दबोच लिया। चूंकि ये सूचना गुप्त थी और इसका सत्यापन मैंने खुद करना आवश्यक समझा, इसलिए कुछ लोगों के साथ मैंने मोटरसाइकिल से 3 जगह रेड किया और एक कस्टमर के रूप में जो नशे का आदी हो उस तरह से बन करके मुझे हम लोग को जाना पड़ा। लेकिन जो 3 जगह पे हम लोगों ने सूचना प्राप्त हुई थी, बाकी हमें भी सूचनाएं प्राप्त हुई, 3 जगह पे सूचना सही मिली और वहाँ हम लोग रेड करके न केवल मादक पदार्थ की बरामदगी की बल्कि उनको अरेस्ट भी किया। वहीं इस बारे में जिलाधिकारी का कहना है कि नशे का कोई भी कारोबार जिले में चलने नहीं दिया जाएगा। आज जो नशा के कारोबारियों पर जो छापेमारी की कार्रवाई हुई है, इससे इन लोगों के बीच में एक संदेश जाएगा कि हम इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को अपने जिला में चलने नहीं देंगे और उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस बारे में एसपी का ये भी कहना है कि नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की इस कार्रवाई को कहा जा सकता है कि शराब मुक्ति के बाद बिहार नशा मुक्ति की तरफ भी अग्रसर हो जाएगा। पूर्णिया से अमित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।